क्यों मेरे शब्दों पे जरा गौर कीजिएगा। चलो हम सोचते हैं कि हम क्या सोचते हैं। हेलो, चलो हम सोचते हैं कि हम क्या सोचते हैं। हमें पता चलेगा कि अक्सर हम वही सोचते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल दूं दोस्तों, मान लो यहाँ पे इतने सारे लोग हम बैठे हैं, हम सभी लोगों, मैंने तो कई लोगों को इतनी हद तक देखा है कि कई लोग नेगेटिव को बोलते हैं, मजाक भी नेगेटिव करते हैं। अगर हमें मजाक भी करना है तो भी हम दोस्तों नेगेटिव ज्यादा करते हैं। क्या मैं कई जगह पे जाता हूँ, कई मेरे स्टूडेंट्स, कई मेरे परिवार के लोग मुझे बोलते हैं, सर आइए आइए, कभी हमारी गरीब की झोपड़ी में भी आइए। अब इसको भगवान कितनी बार तथास्तु बोलते होंगे। फिर आप उसको बोलो कैसा बिजनेस चल रहा है, बोला मंदी है। मंदी रहेगा ना तो हर रोज सुबह भगवान को बोलते थे कि गरीब की झोपड़ी में आइए, भगवान हर रोज बोलते होंगे तथास्तु। दोस्तों यहाँ पे मजाक ही करना है, तो आप मजाक भी ऐसा पॉजिटिव सेंस में भी कर सकते हैं कि आइए आइए, कभी हमारे राजा महाराजाओं के महलों में भी आइए। अगर गलती से भगवान ने तथास्तु बोल दिया तो नुकसान तो नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल सेंटेंस में इतना कहना चाहूंगा, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। दोस्तों मुझे बताएं, मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूंगा कि आज से अपने जीवन में सोचने से पहले सोच लेना कि आपने जो सोचा है उसमें अगर भगवान ने तथास्तु बोल दिया तो आपके फायदे में है या नहीं। बाकी मुंबई वासियों को सिखाने की जरूरत नहीं है कि फायदे वाली ही बात सोचना, वो तो आप सोचते ही है। दोस्तों कहने का मतलब है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, क्योंकि ये जो मैंने फॉर्मूला आपको दिया, ये दोस्तों आपके जीवन के हर एक सेकंड, हर एक क्षेत्र में, हर एक सेकंड में अप्लाई होता है। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका घर हो या रूटीन लाइफ हो। मान लीजिए स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं उसके मन में पहला ही विचार आता है, अरे यार इतना लंबा आंसर भूल गया तो तथास्तु। वो दूसरे दिन भूल ही जाता है, उसके मन में दूसरा ही विचार आता है, और यार इतना हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया उसी वक्त में याद नहीं आया और अच्छे से मैं लिख नहीं पाया, गलती से मैं बोर्ड यूनिवर्सिटी में फेल हो गया तो तथास्तु। वो भाई साहब एग्जाम में जाके भूल ही जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिंगल सेंटेंस में फिर से याद करवाना चाहूंगा, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आप जो बोलते हैं वैसा ही आपके जीवन में होता है, ऐसा आपको एक्सपीरियंस है ही इतने सालों में और ये सारी नॉलेज आपके पास है। लेकिन दोस्तों एक स्टेप यहां पे मैं आगे जाना चाहूंगा, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव ये हम केजी के स्टैंडर्ड से सुनते आए हैं और हजारों सालों से ये बात चलती आई है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी वो थोड़ी अधूरी है। अधूरी इसलिए है क्योंकि दोस्तों उसके साथ में जो मेरा दूसरा शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डू पॉजिटिव, कार्य करना जरूरी है। सिर्फ थिंकिंग से कुछ नहीं होता इस दुनिया में। ये बात क्लियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम ऐसा है, मैजिक ऑफ माइंड पावर। कई लोग बता सर ऐसा कोई मैजिक सिखा दो ना कि हम सभी जादू की छड़ी घूम जाए और हमारे जीवन में सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सब प्रकार के परिवर्तन आ जाए। दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूंगा डू पॉजिटिव, कार्य करना जरूरी है। विदाउट एनी वर्क यानी कार्य इस दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है, विदाउट कर्म इस दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरी मम्मी मुझे एक बार 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 बोलती थी, वो मुझे बोलती थी कि देखो बेटा स्वर्ग में जाना है ना मिनिमम दौड़ना पड़े, जिंदा जिंदा स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए दोस्तों ये बच्चों की भी बात चल रही है, इसके साथ में एक सेंटेंस उसके लिए भी कहना चाहूंगा कि अगर याद रखना है, पढ़ाई करना है, याद रखना है तो उसका मिनिमम बेसिक रूल ये कहता है कि पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े इस दुनिया में याद हो जाए ऐसा ना कोई दिन आने वाला है, न पास्ट में ऐसा था न अभी है। और दोस्तों हाँ एक बात हो सकती है, 2050 में शायद इस दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हम सभी लोगों के दिमाग में यहाँ पे USB स्लॉट किया जाएगा, पेन ड्राइव लगाओ, मेमोरी कार्ड लगाओ, डेटा ट्रांसफर करते रहो। लेकिन दोस्तों वो 2050 की बात है, तब तक हमें पढ़ पढ़ के काम चलाना पड़ेगा।